हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एजिस। फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रेडमी 6 से, जो कि मैंने अमेजोन से परचेस किया था 6000 में। तो हमारे पास जो वेरिएंट है वो 2GB रैम और 16GB इंटरनल वाला वेरिएंट है। तो ये देश का स्मार्टफोन है जो कि अभी लॉन्च हुआ है। इसको आप रेडमी 5 का अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हैं रेडमी 6 से। तो इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले, तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे थे। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास रेडमी 6 है, तो इसकी अभी फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं। पर उससे पहले आप यहाँ पर देख लेते कि यहाँ पर स्पेसिफिकेशन क्या क्या हाईलाइट किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.45 इंच का डिस्प्ले, HD प्लस डिस्प्ले है, 18:9 रेशियो के साथ आता है। और प्रोसेसर की बात करें तो हीलियो 822 क्वाड कोर प्रोसेसर है, 12 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पर बनाया है। 3000 mAh की हमें बैटरी मिलती है, 13 MP का रियर कैमरा मिलता है, PDAF के साथ आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएंट है वो 2GB रैम, 16GB इंटरनल है और ब्लैक कलर में अवेलेबल है। तो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसके रैपर निकाल लेते हैं हम, जो प्लास्टिक का रैपर है आप देख सकते हैं, तो रैपर निकाल लेते हैं। तो इसका रैपर हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेल है वो ब्रोक कर लेते हैं, सेल ब्रोक कर लिया हमें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर डिवाइस मिलता है, तो डिवाइस को रख लेते हैं साइड में। और कुछ ये यूजर गाइड मिलता है, ये वारंटी कार्ड है इनका। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चार्जर है, तो उसका आउटपुट देख लेते हैं, 5V 1A इसके आउटपुट है, तो मतलब नॉर्मल सा चार्जर है। यहाँ पर हमें नॉर्मल USB 2 माइक्रो USB केबल मिल जाते हैं। और कुछ है क्या? तो और कुछ है नहीं बॉक्स में। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं सिम एजेक्टर पिन है, जो कि सिम कार्ड निकालने में आपको मिल जाएगी। तो डिवाइस की बात कर लेते हैं अभी हम। डिवाइस आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है ब्लैक कलर में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 13.8 cm डिस्प्ले, HD प्लस डिस्प्ले, 18:9 फुल स्क्रीन डिस्प्ले। प्रोसेसर यहाँ पर दिखाया गया है हीलियो 822 क्वाड कोर, वही 3000 mAh की बैटरी। तो इसका प्लास्टिक हम निकाल लेते हैं अभी। तो डिवाइस ऑन कर लेते हैं, चार्जिंग है कि नहीं पता नहीं, ऑन तो हो गया। तो डिवाइस ऑन हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो सिम और आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो ईयरफोन जैक है, मतलब हेडफोन जैक, आप यहाँ पर लगा सकते हैं। नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलता है। यहाँ पर 13 MP का रियर कैमरा, फ्लैश, वॉल्यूम रॉकर, अप डाउन, पावर ऑन ऑफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सिम कार्ड लगा सकते हैं और यहाँ पर SD कार्ड लगा सकते हैं, मतलब दो सिम और एक SD कार्ड। यहाँ पर आपको नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट मिलता है, USB टाइप पोर्ट। यहाँ पर आपको माइक्रोफोन मिलता है, तो आप देख सकते हैं MIUI 9। नेक्स्ट करते हैं, तो इंडिया। तो फटाफट इसको सेटअप कर लेता हूँ, फिर डायरेक्ट आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो नैनो सिम और एक SD कार्ड आप लगा सकते हो। तो मोबाइल यहाँ पर सेटअप हो गया। फिलहाल तो मैं कोई सिम और मेमोरी कार्ड नहीं डालता हूँ, डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी सेटिंग, अबाउट फोन में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अबाउट फोन में आप देख सकते हैं 8.1.0 ओरियो अपडेट है, मतलब ओरियो मतलब इसको सही दिया है। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी पैच लेवल 2018.8.1, तो रेडमी 6A आप देख सकते हैं 2GB रैम। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ 2GB में से कितना मुझे फ्री मिलता है। तो आप देख सकते हैं 967 MB खाली, जो कि मतलब बहुत ही कम है।
क्लीन करके कितना मिलता है, 1 GB मिलता है 2 GB में से, 1 GB तो पूरा खाली है। तो बस फ्रेंड इतना इस वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहूंगा।